डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार, विज्ञान शिक्षक, उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपौल में कार्यरत हूँ। मैं आप सबों के बीच बिहार बोर्ड के द्वारा जो एक मॉडल सेट जारी किया गया है उसके सॉल्यूशन के साथ आप सबों के बीच आया हूँ और हमारी यह कोशिश है कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम हो वो बेहतर जाए और आपका परिणाम बहुत ही अच्छा रहे। तो इसीलिए हमने क्या सोचा है कि जो भी मॉडल सेट में क्वेश्चंस दिया गया है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत आसानी से बताया जाए ताकि कम समय में आप लोग तैयारी कर सकें। तो चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन को आज उठाते हैं जो है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र के साथ समझाएँ। एक्चुअली क्वेश्चन में दिया है कि तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, उसका नामांकित चित्र बनाएं। तो तंत्रिका तंत्र बहुत बड़ा है, उसी के अंतर्गत एक छोटा सा चीज़ है तंत्रिका कोशिका। तो आज हम लोग तंत्रिका कोशिका को देखेंगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा टुकड़ा में बांट के पूरा तंत्रिका तंत्र को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं तंत्रिका कोशिका क्या है। इसके इंग्लिश में कहते हैं न्यूरोन। आप लोगों ने न्यूरॉन का चित्र बचपन से ही देखा होगा, लगभग 8th क्लास में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो न्यूरॉन क्या है? यह एक कोशिका है। जैसे ब्रेन है तो तंत्रिका तंत्र की एक कोशिका है, यह उत्तेजक कोशिका है और यह एक स्पेशल कोशिका है जो मस्तिष्क को में सूचना का आदान प्रदान करता है। मस्तिष्क का सूचना शरीर के अन्य भागों तक पहुँचाता है और फिर शरीर के अन्य भागों से सूचना मस्तिष्क तक पहुँचाता है, क्योंकि मस्तिष्क पूरे बॉडी को पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और उस नियंत्रण के लिए मैसेंजर का होना ज़रूरी है जो तंत्रिका कोशिका उसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो ये जो ब्रेन जो है शरीर के अन्य भागों तक या ब्रेन अपने दूसरे भागों को कैसे सूचना पहुंचाता है, तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में एक सिग्नल देता है और उस सिग्नल के द्वारा ही सूचना को भेजता है। और अगर हम लोग देखें कि तंत्रिका कोशिका का खोज कौन किया, तो ये इनका नाम है वाल्डेयर। लेकिन परीक्षा में अक्सर ये नहीं पूछेगा कि तंत्रिका कोशिका का खोज किसने किया, लेकिन जानकारी के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये जो विलहेल्म वाल्डेयर हैं जो जर्मनी के रहने वाले थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने तंत्रिका कोशिका का खोज किया। अगर मानव मस्तिष्क को देखें तो लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिका पाया जाता है और तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार की खराबी आने से, विकृति होने से अल्जाइमर रोग भी हो सकता है जो बुढ़ापे में अक्सर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि तंत्रिका कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल किए। एक बार फिर से हम लोग देखें कि तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है। तो पहला पॉइंट, तंत्रिका कोशिका ब्रेन में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के द्वारा, विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा सूचना को ट्रांसफ़र करता है बॉडी के एक भाग से ब्रेन तक या ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक। और इस तंत्रिका कोशिका का खोज विलहेल्म वाल्डेयर ने किया था जो जर्मनी के रहने वाले थे। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। चलिए अब हम इसकी संरचना को देखें कि यह संरचना कैसा होता है। तो इसका संरचना हम लोग एक सिंपल संरचना बनाते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये डेंड्राइट्स है, ये जो बना रहे हैं डेंड्राइट्स है, ये बहुत सारा ब्रांचेज है, शाखा है इसमें बहुत सारा, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। आप लोगों ने एक बुक में ऐसा फिगर देखा होगा, ये क्या है यहाँ पर, अगर हम कहें तो इस भाग को कहते हैं डेंड्रोन, इसको कहते हैं साइटोन और इसको कहते हैं एक्जोन। डेंड्रोन, साइटोन, एक्जोन, सूचना हमेशा डेंड्रोन से साइटोन की ओर, साइटोन से एक्जोन की ओर जाएगा।
मतलब डेंड्रोन सूचना को साइटोन को भेजेगा और साइटोन एक्जोन को। जैसे इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, हम लोग कंप्यूटर का एक कोर्स करते हैं DCA, एक DCA कोर्स करते हैं, पहले डेंड्रोन उसके बाद साइटोन उसके बाद एक्जोन। DCA कोर्स को याद रखेंगे, पूरा याद रहेगा कि सूचना कैसे ट्रांसफ़र होता है डेंड्रोन से साइटोन, साइटोन से एक्जोन की ओर। यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है केंद्रक, यहाँ पे होता है केंद्रक, इसको कहते हैं केंद्रक, जिसको कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर पाया जाएगा क्या, साइटोप्लाज्म, सॉरी केंद्रक के अंदर नहीं, इस डेंड्रोन के अंदर साइटोप्लाज्म से पाया जाएगा। अब देखिए ये जो है इस पर माइलिन सीथ होता है, इस पर क्या होता है, माइलिन सीथ का लेयर होता है। इसमें क्या होता है, माइलिन सीथ का लेयर होता है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि सूचना डेंड्रोन से साइटोन की ओर, साइटोन से एक्जोन की ओर जाता है। इसमें पाया जाता है स्वान सेल, जो अल्टरनेटिव होगा। अगर यहाँ पर स्वान सेल है तो फिर यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा, एक छोड़ के फिर यहाँ पर, इसको कहते हैं स्वान कोशिका, इसको कहते हैं न्यूरीलेमा, इसको इंड बटन भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन का इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि ये न्यूरॉन का चित्र है। यहाँ पे क्या है कि ये जो गड्ढा दिख रहा है इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, रेनवेयर, रेनवेयर, नोड ऑफ रेनवेयर। चलिए एक बार फिर से देखें कि तंत्रिका कोशिका मानव मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसका तीन पार्ट है, डेंड्रोन साइटोन एक्जोन, डेंड्रोन साइटोन एक्जोन, जिसको हम लोग याद करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाए DCA, DCA, ये कंप्यूटर का कोर्स होता है DCA, एकदम छोटा सा कोर्स होता है, बेसिक कोर्स होता है DCA। तो सूचना हमेशा कैसे जाएगा, एक दिशा में, सूचना एक दिशीय है, एक दिशीय मतलब यूनि डायमेंशनल, यूनि डायरेक्शनल होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दे कि न्यूरॉन से सूचना का आदान प्रदान, न्यूरॉन से सूचना का ट्रांसफ़र किस दिशा में होता है, एक दिशा में होता है, दो दिशा में होता है, कई दिशा में होता है, तो हमेशा एक दिशा में होगा, मतलब है डेंड्रोन से साइटोन में जाएगा, साइटोन से एक्जोन में जाएगा, एक दिशा में होगा। अब यहाँ पर फिर क्या होगा कि दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फिर अगर हम देखें एक चैनल कैसे बनेगा, यहाँ से मान लिया जाए कि एक डेंड्रो, एक न्यूरॉन हुआ, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन हुआ, यहाँ से तीसरा न्यूरॉन हुआ, फिर यहाँ पे चौथा न्यूरॉन हुआ, तो जहाँ पे जुड़ता है उसको साइनेप्स बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जुड़ेगा इस पोर्शन पे, इसको साइनेप्स बोलेंगे। वो जब तंत्रिका तंत्र को विस्तार से बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि सूचना कैसे आदान प्रदान होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो एक बेसिक सा चीज़ हम लोग ने क्या देखा है कि न्यूरॉन किसे कहते हैं, आइए फिर से एक बार हम लोग रिविज़न करें कि न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाला एक उत्तेजनीय कोशिका होता है, जो मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करता है। यह विद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा सूचना को ट्रांसफ़र करता है। इसका खोज वाल्डेयर ने किया था, जो जर्मनी के रहने वाले थे। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। अगर इसके फिगर को देखें
तो कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका में तीन भाग प्रमुख होते हैं, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्जॉन। डेंड्रॉन सबसे ऊपर का भाग है, मध्य भाग को साइटोन कहते हैं और नीचे के भाग को एक्जॉन कहते हैं। सूचना हमेशा एक दिशा में जाएगा, डेंड्रॉन साइटोन, डेंड्रॉन से साइटोन की ओर, साइटोन से एक्जॉन की ओर जाएगा। न्यूक्लियस डेंड्रॉन में पाया जाता है, ये जो भाग है इस भाग में पाया जाएगा। और श्वान कोशिका किस भाग में पाया जाएगा, श्वान कोशिका पाया जाएगा साइटोन का भाग, ये जो साइटोन का जो है यहाँ से यहाँ तक जो साइटोन है इसी में पाया जाएगा श्वान कोशिका। और जहाँ जहाँ जो ये गड्ढा है, ये धंसा हुआ भाग है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और लास्ट में एंड बटन होता है, इसके बारे में बताएंगे कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, सूचना को न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे आगे बढ़ाएगा, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आप लोग इसको लिख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो। तो आप इसी ढंग से जुड़े रहें और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, ऐसी शुभकामना है। थैंक यू सो मच।